और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में बिहार के अररिया जिले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में गिरफ्तारी का यह पहला मामला अररिया से सामने आया है, जहां नगर थाना पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक नवाब को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह बांग्लादेशी नागरिक बंगाल के रास्ते गंगा पार कर कटिहार पहुंचता और वहां से अररिया के रामपुर कोदरकट्टी पंचायत के मरंगी बंगाली टोला में बीते 5 वर्षों से छिपकर रह रहा था। इस गांव में उसने रंगीला खातून से शादी कर ली और बीएलओ को रुपए देकर आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी बनवा लिए। अररिया पुलिस इस मामले में तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए कार्रवाई में जुट गई है। तुम्हारा क्या नाम है जी? वो तो एक बांग्लादेशी पकड़ाया है, मुखिया जी हमारे राजेश बाबू के यहाँ आया था वो पासपोर्ट बनाने के लिए, और छानबीन जब किया तो वह बांग्लादेशी निकला, ढाका का किस जगह का रहने वाला है वह भी कबूल किया। मैंने डीएम साहब को और एसपी साहब को भी फ़ोन किया कि भाई बांग्लादेशी घुस कर के यहाँ पहले से तो रह ही रहा है और अभी भी आ रहा है, इसको पकड़वाइए। तो निश्चित रूप से वह एक बांग्लादेशी नहीं है, अनेक है यहाँ पे, खास करके अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अगल बगल का जिलों में वह काफ़ी संख्या में लोग घुसपैठी करके आया है, रह रहा है। मैं सरकार को भी पत्र पहले लिखा हूँ और अभी भी मैं लिखने वाला हूँ, इसका सघन जांच हो, चिन्हित किया जाए। इसमें हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं है, जो भारतीय मुसलमान है वो भारत के नागरिक है, उनका लिए कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर कोई घुसपैठी करके मेरे देश में आकर के बांग्लादेश से वह चोरी छुपे रह रहा है तो हमारा देश का बोझ बढ़ेगा, और यह देश है, यह धर्मशाला नहीं है कि कोई आके रह जाए। इसलिए सरकार और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए और इस आशय का जांच करना चाहिए। नगर थाना अररिया में नवाब पिता सुभान अली के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें नगर थाना के द्वारा सत्यापन हेतु रामपुर कुदरकट्टी जो एड्रेस था उस पर जाने के बाद यह ज्ञात हुआ कि ये संदिग्ध व्यक्ति हैं और यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं। स्थानीय लोग, वहाँ जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, इन लोग से जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये वास्तविक रूप से बाहर के हैं या स्थानीय नहीं हैं, बाहर से ये आए हैं। जब विस्तृत रूप से जान पता किया गया और छापेमारी की गई तो इनके पास से बंगाल चंपई नवाबगंज ग्राम देवीगंज, जो बांग्लादेश में है, का जन्म प्रमाण पत्र और वहाँ इनके परिजन का अन्य कागजात बरामद हुआ। जी हम बता सकते हैं, जहाँ तक जानकारी है हम बोल सकते हैं। आज से 5 साल पहले लड़का का यहाँ सुनने में आज शादी हुआ, लेकिन हम लोग का बिरादर में ये होता है, शादी में 2-4-5-10 आदमी गांव का सरगना को बुलाता है, लेकिन ये शादी में किसी को ही नहीं बुलाया, अन्य किसी का जानकारी था। ठीक बाद में पता लगा कि जे लड़का फनाना का दामाद है, ये शादी करवाया।